हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, 3 रुपए का छोटा सा पैनी शेयर है ये और प्रमोटर दोबारा यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन इस बार प्रमोटर ने खरीदारी करी है। इससे पहले इसी साल अगर हम देखें तो जनवरी और फरवरी के दौरान प्रमोटर काफी ज्यादा एक्टिव थे यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ज्यादातर बिकवाली ही कर रहे थे। लेकिन अब नीचे के लेवल से प्रमोटर एक्टिव हो चुके हैं बाइंग के लिए, और ये मैंने आपको तब भी कहा था जब बेच रहे थे। मैंने कहा था कि आज बेच रहे हैं, हो सकता है कि 3-4 महीने बाद दोबारा खरीदने भी आ जाए, और वही हुआ है, खरीदने आ चुके हैं प्रमोटर। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं, वो भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर 3 रुपए 5 पैसे का शेयर है, 1 महीने में देखिए लगातार टूट रहा था, लेकिन अब दौड़ना शुरू किया है, 2 रुपए 65 पैसे के आसपास पहुंचा। लेकिन अब एक रफ्तार पकड़ी जरूर है इसने, 6 महीने में देखा जाए तो भाई साहब कोई ज्यादा मोमेंटम हासिल नहीं है, लेकिन हाँ, तेजी गिरावट का माहौल जरूर है। 3.5 रुपए तक पहुंचा था ये, वापस टूट कर 2.5 रुपए तक भी आया, लेकिन अब दोबारा दौड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये वो कंपनी थी अभी हाल फिलहाल में जो 22 रुपए तक घूम कर आई है, ठीक है? तो वो भी हमें यहाँ पर समझना होगा कि वो कंपनी है जो 22 रुपए तक घूम के आई थी अभी हाल फिलहाल में। एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी, लेकिन जितनी बड़ी रफ्तार दिखाई उतनी ही बड़ी बाद में गिरावट आई, फिर दौड़ने की दोबारा कोशिश की, लेकिन दोबारा टूट कर ये नीचे आया। लेकिन एक अच्छी बात थी, 2.5 रुपए से नीचे ये नहीं गया था, मतलब दोबारा गिरावट के बाद 2.5 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बनाया था और ये उससे नीचे नहीं गया, बल्कि वहां तक जाने के बाद दोबारा इसने बाउंस बैक भी दिखाया है, और इस बार ये बाउंस बैक जो है वो और लंबा चल सकता है। पहला रीजन इसका ये है कि देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग तो नहीं है, पहली चीज, ठीक है, उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन लेकिन जो इनके नतीजे आए हैं वो कह सकते हैं कि थोड़े से अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं है। आप देखिए रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से हैं इनके, कि इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट उसमें 312% का ग्रोथ आया है, 312% का ग्रोथ, हालांकि उतना बड़ा नहीं है, 33 लाख का नेट प्रॉफिट है, जिसको अगर देखा जाए तो 0.33 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया है जून क्वार्टर में, ठीक है? जबकि इससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो था, आप देखिए, 0.08 करोड़, मतलब सिर्फ 8 लाख का प्रॉफिट था, तो उसके कंपेयर में काफी बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भैया 33 लाख का प्रॉफिट है, जो काफी बड़ा है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 8 लाख का ही प्रॉफिट इनको हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट इस आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 99% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ज्यादातर लोग क्यों कह रहे हैं खरीदना, क्यों? क्योंकि देखिए शेयर काफी नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर यही शेयर अगर 4 रुपए 5 रुपए पर निकल गया तो भैया फिर खरीदने लायक शेयर नहीं होगा ये, फिर ये होगा कि हाँ कभी भी यहाँ पर गिरावट आ सकती है। क्योंकि देखिए ये चीज देखने को मिली है, हर बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट इस कंपनी ने दिखाई भी है। रेवेन्यू आप देखेंगे तो लगातार डिक्लाइन है, 215 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंचे थे, आज वो 75 करोड़ के आसपास है, और प्रॉफिट तो भाई साहब आप भूल ही जाएंगे, कोई बड़ा प्रॉफिट है, बल्कि 2021 में 3 करोड़ का इनको नुकसान हुआ, इससे पहले 1-1 करोड़ का प्रॉफिट तो होता था सालाना, लेकिन इस बार 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, मतलब पूरे 4 साल की का जो मुनाफा कमाया वो एक झटके में चला गया इनका, ये आप मान के यहाँ पर चल सकते हैं। खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन हाँ, रेड फ्लैग्स है, और बैंक के एफडी से अच्छा रिटर्न भी इन्होंने नहीं कमा कर दिया है, और देखिए दिक्कत तो है यहाँ पर, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो ये है, प्रमोटर दोबारा जिंदा हो चुके हैं यहाँ पर, और इस बार बड़ी खरीदारी करी है। 25 जून को प्रमोटर ने जो खरीदारी करी थी वो नंबर्स अगर हम देखें तो तकरीबन 5 करोड़ शेयर प्रमोटर के द्वारा खरीदे गए, 5 करोड़ शेयर प्रमोटर के द्वारा, और 25 जून को ही प्रमोटर के द्वारा एक और ट्रांजेक्शन हुआ, वो था 35 लाख शेयर का, ठीक है? तो वो छोटा सा है, लेकिन फिर भी इग्नोर करने लायक तो वो भी नहीं है, 35 लाख शेयर का ट्रांजेक्शन देखने को मिला, और एक और ट्रांजेक्शन जो देखने को मिला था
वो तकरीबन सॉरी तकरीबन 5 करोड़ के आसपास के शेयर्स थे जो इन्होंने खरीदे। मतलब काफी बड़ा ट्रांजेक्शन है ये कंपनी ने, कि जो प्रमोटर है एक बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड जरूर हो गए हैं। और जब इससे पहले ये बिकवाली कर रहे थे ना, तब भी मैंने कहा था कि देखो बहुत जल्दी हो सकता है कि नीचे के लेवल पर ये लोग खरीदारी करें। तो देखो यहाँ पर होने को चांसेस तो ये भी है कि नीचे के लेवल से बाइंग करी है, ऊपर पहुंचेगा तो बेच भी सकते हैं ये लोग। प्रमोटर का भरोसा नहीं है इन, खास करके इस कंपनी के प्रमोटर का भरोसा नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए मौका थोड़ा बहुत बनने वाला है आने वाले दिनों में। यहाँ पर तेजी जरूर देखने को मिलेगी, शायद 4 रुपए तक शेयर पहुंच सकता है। लेकिन हाँ एक चीज भी कहूंगा, एक बार 4 रुपए का लेवल निकल जाता है तो भैया प्रमोटर का यहाँ पर भरोसा नहीं है, कभी भी यहाँ पर बिकवाली शुरू कर सकते हैं। तो 4 रुपए से महंगा तो मेरी खरीदने की सलाह यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और एक और चीज, फंडामेंटली उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदो। प्लीज फिर बाद में कमेंट में ये मत लिखिए कि सर मैंने 1 लाख शेयर खरीद लिए हैं, 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, 20,000 शेयर खरीद लिए, अब क्या करूं। भाई साहब नहीं खरीदना था, नहीं खरीदना था। यहाँ पर उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना भैया आप रद्दी में उड़ा देते हो। मतलब कि भैया आपको फर्क नहीं पड़ता है कि भैया चलो थोड़ा बहुत चला भी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। उतना ही निवेश यहाँ पर करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा निवेश करेंगे तो याद रखिए ऊपर के लेवल पर आप फंस सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रमोटर की जो सिचुएशन है भैया, वो मुझे यहाँ पर सस्पिशियस पहले भी लगी थी, अभी भी लग रही है मुझे। देखिए इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो भाई साहब प्रमोटर 23 जनवरी को, आप देखिए 23 जनवरी को बिकवाली के ट्रेड्स देखे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ट्रेड लिए थे प्रमोटर ने, जिसमें से 12 ट्रेड्स जो थे, सॉरी जिसमें से 11 ट्रेड्स बिकवाली के थे और 2 ही ट्रेड्स खरीदारी के थे, ठीक है। तो ये आप समझिए यहाँ पर कि क्या हो रहा है। इससे पहले भी प्रमोटर्स के द्वारा 12 जनवरी को भैया दिन में 10-10 12-12 ट्रेड करते थे प्रमोटर्स। तो इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर निवेश करें, और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाँ जो अच्छी बात है वो ये है कि भैया अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी ये कंपनी, जो कि आया भी है। लेकिन कॉन्स काफी ज्यादा है भैया यहाँ पर, बुरी चीज काफी ज्यादा है कि शेयर ऑलरेडी अपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर ने पिछले कुछ क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को काफी हद तक गिराया है, प्रमोटर की होल्डिंग काफी हद तक डिक्रीज हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो वो भी काफी कम यहाँ पर देखने को मिला है। इतना ही नहीं कि कंपनी की अगर हम बात करें जाए तो सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ आने वाले वक्त में ये उम्मीद यहाँ पर है कि भैया एक बड़ी रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है विकास लाइफ केयर में, क्योंकि कंपनी ने फार्मा में और एफएमसीजी में एंट्री करी है, और उसी एक चीज को काफी ज्यादा पॉजिटिव तरीके पर लिया जा रहा है। हालांकि अभी उन्होंने जो बिजनेस है वो शुरू नहीं किया है, ठीक है, लेकिन माना यह जा रहा है कि भैया जो एंट्री करी है डेफिनेटली वहां से अच्छा रिटर्न को जरूर मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर तेजी बन रही है, और थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है खास करके इस खबर के बाद कि अब प्रमोटर यहाँ पर दोबारा से एंट्री करने के लिए आ चुके हैं। तो देखना होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखो भारी भरकम निवेश गलती से भी मत यहाँ पर मत कर लेना, एक हल्का फुल्का निवेश जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।